हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किस प्रकार से हम HTML में कलर लगा सकते हैं। अलग अलग कलर लगाएंगे हम, हर एक टेक्स्ट पे अलग अलग कलर लगाएंगे। तो सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल पोर्शन को आप लिख लेंगे और उसके बाद हेड पोर्शन को क्लोज कर दीजिए। नाउ बॉडी सेक्शन पे आ जाइए। यहाँ पर हमें लिखना है पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू कलर, COLOR, कलर की स्पेलिंग ध्यान रहे। जो भी आपको कलर लगाना हो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं रेड कलर लगाता हूँ, क्लोज करूँगा इसको यहाँ से। ओके, अब हमें यहाँ पे कुछ लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे HTML, ये लिख दिया हमने। यहाँ से क्लोज करेंगे पैराग्राफ को। ओके, और नाउ यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और फिर यहाँ से HTML को क्लोज कर देंगे। इसमें कई चीज़ें मैं लेके चलेंगे, हम कई कलर लगाएंगे। जैसे ये पैराग्राफ स्टाइल यहाँ पे रेड कलर है, ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कलर हम चेंज करते चलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंट्रोल वी कर दिया, तो ये सेम चीज़ कॉपी हो गई। फिर यहाँ कंट्रोल वी, तो इतनी बार हमने कॉपी कर दिया इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्राउन कलर दे देंगे या फिर येलो कलर दे देंगे। तो यहाँ मैं देता हूँ येलो, नीचे देंगे ग्रीन। यहाँ पे अलग अलग कलर दूंगा ताकि आपको दिखाई पड़े कि किस प्रकार से ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो अलग अलग कलर में लिखे हुए टेक्स्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वायलेट, ठीक है। तो अब इसको सेव करने का वक्त है, तो यहाँ से मैं सेव करूँगा, सेव एज करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा p.html, ठीक है। अब इसको रन करवाने की बारी है, तो यहाँ से इसको रन करवाएंगे हम क्रोम पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला जो है वो रेड में है, दूसरा येलो में है, आप देख सकते हैं ये येलो कलर है, तीसरा यहाँ पे ग्रीन कलर है और चौथा पिंक कलर है, वायलेट कलर है, सॉरी पिंक कलर नहीं है, ये वायलेट कलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों कलर मैंने लगाया है। अब बात आती है कि साइज इसकी काफ़ी छोटी है, तो यहाँ पे साइज को भी हम बढ़ाएंगे। तो साइज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपने कलर रेड लिखा है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हटाते हैं, साइज लिखते हैं यहाँ पे हम SIZE, ठीक है, और यहाँ लगाते हैं कोलन और यहाँ पे साइज देते हैं 70, ठीक है। फिर यहाँ पे कलर हटा देते हैं, यहाँ पे साइज देंगे 80, साइज 80 करेंगे यहाँ पे। तो फॉन्ट साइज लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको पहले सेव करते हैं, देखते हैं ये प्रोग्राम चलता है या नहीं। तो इसको रन करवाते हैं क्रोम पे, तो प्रोग्राम सेम है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ साइज दे दीजिए आप, फॉन्ट साइज यहाँ पे लिखिए FONT फॉन्ट, और यहाँ पे साइज तो है ही। तो यहाँ पे अब इसको सेव करके रन करवा के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है हमारे प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे देंगे हम 90 या 100 दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज FONT फॉन्ट और यहाँ पे साइज देंगे और यहाँ पे 180 कर देते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे रखेंगे 180, ठीक है, और यहाँ पे 200। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज फिर मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज SIZE, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज हो गया। और यहाँ पे कर देंगे हम फॉन्ट साइज 200 कर देंगे इस बार। यहाँ पे बीच में हाइफन रहेगा तो हाइफन दे देते हैं और यहाँ पे फिर वापस से वही चीज़ फॉन्ट साइज फॉन्ट SIZE फॉन्ट साइज, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 220, ठीक है। और ये फाइल में जाके सेव करेंगे इसको, क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये काफ़ी बड़े बड़े होके आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए तीनों का साइज जो है काफ़ी बड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तीनों चारों को, यहाँ चार हैं तो चारों को आप देख सकते हैं साइज कितनी बड़ी है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं।